एक्टिंग करके कैसा लग रहा है आपको? यूथ बहुत चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। एमएससी वन के बाद हम यूरोप गए थे, बहुत कंट्री में गए, तो सब जगह लोग जानते थे कि हाँ आपने मैसेज दिया है। रोस्टोक यूनिवर्सिटी में तो 2 घंटे वहाँ के टॉप साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने हमसे बहस की कि हमारी साइंस बड़ी है, हम कह रहे थे हमारे वेद धर्म बड़े अथवा मेडिटेशन, तो बड़ी खुशी हुई कि उसने अपने मुझसे ये मांगा। तो बस बड़ी खुशी हो रही है कि यूथ चेंज हो रहा है और यही मकसद है जिंदगी का, समाज से गंदगी निकालनी है और अच्छा लगभग नहीं किया। नहीं, हमने किसी को कहते कि फिल्म बनाए, जिसका दिल जैसे करे वैसा मैसेज फैलाए, पर हर कोई अपने ढंग से समाज को बदलने की कोशिश में है। कोई सत्संग कर रहा है, कोई गा के, हम 3 काम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गा के और प्लस ये मूवी लेके। तो हमें लगा कि ये लैंग्वेज यूथ के समझ में आएगी, तो वो तीनों का तालमेल बिठा के हम चल रहे हैं। तो वो जैसा कोई कर रहा है, हमारे घर से हर संत भी फकीर अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है, जो समाज को बदल रहा है। थैंक यू सो मच। आपसे पूछे आपका फेवरेट एक्टर कौन है? भगवान। क्योंकि वो जैसा एक्टर हमने आज तक देखा ही नहीं है, कैसे वो हर पौधे को बना देता है, हर पौधे की हर पत्ती में रंग अलग अलग बढ़ के डिजाइन बढ़ देता है। और अगर इंसान एक पेड़ में इतनी तरीके की पत्तियां बना दे तो हमें लगता है वो बॉम्बे तो क्या पूरे वर्ल्ड में मैं करता फिरेगा। हैरानी ये है, ईश्वर इतना कुछ बनाता है और एक बार कहने नहीं आता कि मैं किया। हम तो बेटा बहुत देर से बने हैं कि ये बंद हो जानी चाहिए। हमसे किसी ने पूछा था कि गुरु जी अगर शराबबंदी हो जाएगी इंडिया में तो इंडिया को लॉस हो जाएगा बहुत सारा पैसे का। हम चैलेंज करते हैं कि लॉस नहीं, हम डबल मुनाफा ला सकते हैं। हमारे देश में अगर देसी जड़ी बूटियां, आयुर्वेदा की जड़ी बूटियां बनाई जाए, उनका पाउडर बनाया जाए और पूरे वर्ल्ड में जो एलोपैथी दवाई है, इंग्लिश दवाई, उसमें वो पाउडर बनता है, अगर पूरे वर्ल्ड में हम सप्लाई करें जितनी शराब से हम दुनिया के 10 गुना ज्यादा आमदनी बना सकते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगा हुआ है और हमने साइंस के नजरिए से हर धर्म को पढ़ा है और हर धर्म कहता है शराब नशाखोरी गलत है, हराम है, बेकार है, बर्बाद है, तो फिर ठेके क्यों खुले हमारे समाज में जब हमारे देश में कि नशा बर्बादी का घर है, तो ठेके किस लिए है? कहते जी बंद करना चाहिए, आप पीना बंद करो तो जाएगा कौन, तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे ना। दुकान अभी जल्दी कर ग्राहक जाते हैं और ग्राहक नहीं होंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तो हमें लगता है ये इसमें सारी जनता अगर सोचे तो, और इसमें बर्बादी है नशे से, किसी की आबादी आज तक हमने नहीं देखा कि नशे से कोई आबाद हुआ। आपकी कोई चॉइस हो तो? नहीं सर, आपके जो बेस्ट सॉन्ग है वो आपकी जो, देखिए गाने वाले को पूछो बेस्ट तो सारे होते हैं उसके पर, और फिर भी अगर कोई आप कहें अच्छी ये करे लव चार्जर और कोई पार्ट लव चार्जर जी। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. Oh, you are the lucky boy, you are my love charger, you are the love charger. भी बताना चाहेंगे, किसी ने हमें पत्रकार ने पूछा गुरुजी आज ही शायद क्या आपने सारी फैमिली को फिल्म में इन्वॉल्व कर लिया? हमने कहा जब अच्छी चीज हो तो इन्वॉल्व करने में डर क्या है, गंदी चीज में नहीं, अच्छी तो ये सारे बच्चे हमारी बेटियां दामाद जिन्होंने फिल्म में काम भी किया है, एक ने गाया भी है, वो भी यहाँ आए हुए हैं इसी के साथ। तो आ जाए सब लोग, क्रू मेंबर भी बैठे, आ जाए बैठिए ना।
आ जाइए ऊपर आ जाइए, बेहतर आ जाए जी जी आए रोहित, दो बार से रह गया ये लड़का जी जी। और आज हम सब ने इस पूरी टीम के लिए तालियां बजा ली, इतनी जबरदस्त मूवी हमें आज दी है। हमारे मैसेज फटने को हो रहा चाहती कि हमारे बच्चों का मैसेज आ रहा है जो जाना चाह रहे थे, तो सभी लोग खुश है, हमारे बच्चों के चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट है, इनकी मेहनत दिन रात उन्होंने जो हिम्मत की है वो सबके सामने आ रही है। और अभी पंजाब में तो अभी शुरू हुई है दो दिन, आज दूसरा दिन है, और इटली में एक तारीख से इटली में अभी शुरू हो, एक तारीख से पूरी दुनिया में वो लॉन्च होने वाली है, तमिल तेलुगु में और इंग्लिश जो कि यूएसए की भाषा है उसी में डब की गई है, यूके की शायद, तो वहाँ भी बहुत डिमांड है। तो ईश्वर देखो क्या कहते हैं, उनकी मर्जी देखना आप लोगों ने है, और आपको अच्छी लग रही है। हमने देखा है मुंबई में कई जगह हम गए हैं और वहाँ बिल्कुल नए इधर के मुंबई के लोग होते हैं, ये नहीं कि जैसे पिछली बार बोला था कि गुरु जी आपके लोग आ गए, नहीं, इस बार हमने देखा बहुत ज्यादा वो लोग थे जो गुरु मंत्र जिन्होंने हमसे नहीं यहाँ खड़ा है, ईश्वर की कृपा है दोनों बार। थैंक यू वेरी मच, और स्पेशली हकीकत साले भाई की एक हकीकत कंपनी की तरफ से, हकीकत कंपनी के सभी जो चेहरे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त होती है लोग इनके। राखी जी बहुत सुंदर होते हैं, खूबसूरत है और ठीक है, बढ़िया आपके लिए तो बहुत ज्यादा ठीक है जी जी, और हमारे भी बहुत ठीक है अच्छी आशीर्वाद। तो बाकी गुरु जी उनके बटन नहीं खुल रहे हैं, सारे खुले हुए हैं। राखी साहब जी आप ऊपर आ जाइए। हम सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को देना चाहते हैं वो है भगवान, जिसकी कृपा से ये सब कुछ संभव होता है। हमारे वहाँ तो हर चीज़ हम उन्हीं की कृपा से मानते हैं कि ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुदा रब, वो सब कुछ कर्म करावनहार है और सबसे बड़ा श्रेय उसी को है। लोग आपको समाज सेवक मानते हैं लेकिन आप अभिनेता बनने के लिए क्यों चुने, मतलब क्या रीजन था बेसिकली? जी लोग समाज सेवक कहते हैं, संत कहते हैं, हम अभिनेता भी सिर्फ समाज सेवा के लिए ही बने हैं, कोई अपने नाम के लिए नहीं। जी हाँ पार्ट पता नहीं कितने आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे समाज से पूरी बुराइयाँ दूर हो जाए और जब तक वो दूर नहीं होती हम लगे रहे। जो आगे आने वाला है उसमें हम एक साइंस का बहुत बड़ा पहलू भी उठाएंगे, पर ये नहीं पता वो उसका नंबर कौन सा होगा, कि वेद महासाइंस है, धर्म महासाइंस है। साइंस अभी तक ये नहीं बता पाई कि मुर्गी पहले आएगी अंडा, हम उस फिल्म में ये भी बताएंगे और इतना एंटरटेनमेंट लेके आएंगे कि यूथ जो है वो दौड़ के आएगा कि हमने उसको जरूर देखना है, जैसे अवतार मूवी आई थी उसको। यहाँ की इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका किस तरह का सपोर्ट है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बॉलीवुड में फर्स्ट फिल्म के बाद तो कुछ बात बनी नहीं थी, लोग पहचान नहीं रहे थे, बात हुई नहीं किसी से, लेकिन
सेकंड मूवी के दरमियान पूरा बॉलीवुड हमारे साथ है, जो भी सज्जन मिले हैं यहाँ भी बहुत सारे आए हुए हैं और जो मिलते हैं सब कहते गुरु जी हम आपके साथ हैं। आपकी ख्याति हर जगह है लेकिन जब पंजाब हरियाणा की बात करें आपको पता है ड्रग्स की समस्या काफी है वहाँ, तो आप अपने तरफ से क्या करना चाहेंगे इसके लिए? जी हरियाणा में ड्रग तो काफी खात्मे पे पहुंच गया है, रही बात पंजाब की तो अब पंजाब में मूवी भी चल पड़ी है और जो मुद्दा था वो भी खत्म हो गया है और करते थे गुजारिश करेंगे फिर से वहां जाके अपने उन बच्चों को भी नशे से दूर करें। सब समाज सेवक अभिनेता अब क्या आप राजनेता बनने के फिराक में हैं, क्या करना चाहते हैं बाकी चल के? हम तो समाज सेवक हैं थे और सारी जिंदगी रहेंगे और कुछ नहीं बनना चाहते। मैं बाबा राम रहीम की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने पार्ट वन भी देखा था, पार्ट टू भी देखा है, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही आप उन्हें कोई भी सवाल आप कीजिए बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है और उनकी फिल्म में कुछ ना कुछ मैसेज होता है, बहुत सारा मैसेज होता है लोगों के लिए। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बाबा की। आप भी खबरों में बने रहती हैं, बाबा भी खबरों में बने रहते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, खबरों में बने रहना जरूरी है आपको लगता है ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए? बने नहीं रहते लोग बना के रखते हैं। डेफिनेटली अगर बाबा जी मुझे नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं काम करूंगी, बट बाबा की जो फिल्म होती है वो हटके होती है, बहुत ही हटके होती है और बहुत अलग फिल्म होती है, वो बिल्कुल सच्चाई पे वो अपने शिष्यों को लेकर फिल्म बनाते हैं और बहुत बहुत बड़ी बात है कि कम बजट में फिल्म 100 करोड़ से भी ज्यादा मतलब खानों को टक्कर दे रही है बाबा की फिल्में। आपकी बात करते हैं, आपकी फिल्म आ रही है जूली, रानी मुखर्जी का मैंने बाबा से आशीर्वाद लिया है एक कहानी जूली के लिए, जो हमारे हीरो है यहाँ पे अभी आशीर्वाद लिया है कि बाबा आपकी जैसे मेरी फिल्म भी हिट हो जाए। लेकिन राखी ये पूछना चाहूंगा मैं ही पर भी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने वाले हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मुझे लगता है महेश भट्ट जी जो है वो डर के कदम पीछे ले लिया है और जूली सिर्फ इंद्राणी पर मैं ही बनाऊंगी, अब तो मुझे बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल गया है बस, तो बहुत हो गया बस इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।